नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगिंग विद अनीश में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल यानी गूगल वेब मास्टर में कैसे इंडेक्स करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, वीडियो के अंत तक बने रहें, सारी जानकारी लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आधी जानकारी लेकर जाएं और आप गलती कर बैठे। तो शुरू करता हूं वीडियो को बिना देर किए हुए। आप देख सकते हैं, अभी आप मेरे ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे हैं और मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ है। अब इस पोस्ट को मैं चाहता हूँ गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना, तो इसके लिए मुझे इसका यूआरएल चाहिए। तो मैं यहाँ इसको पहले व्यू करता हूँ और इधर मैं एक और टैब खोल लेता हूँ और उसमें मैं खोल लेता हूँ आपको गूगल सर्च कंसोल। उसके लिए मैं गूगल पे लिखूँगा गूगल सर्च कंसोल। यहाँ आपको रिजल्ट में आ ही जाएगा गूगल सर्च कंसोल, जो सबसे पहला रिजल्ट आता है आपको। यहाँ आप देख सकते हैं https://search.google.com, यहाँ गूगल सर्च कंसोल लिखा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। ये जब तक खुलता है तब तक मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे आ जाता हूँ। तो ये मैंने पोस्ट लिखा हुआ था लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया है, SEO क्या होता है, SEO कैसे करना चाहिए, ऑन पेज SEO, ब्लॉगर में ऑन पेज SEO कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आपको जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि पेज पे SEO कैसे करते हैं, सारी डिटेल दी गई है, बारीकियों से आपको बताया गया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ऑन पेज SEO करते समय। तो इस पोस्ट को मैंने लिखा है। अब मैं यहाँ से इसका URL को कॉपी करता हूँ, ये जो मेरा पोस्ट है उसका URL है, और मैं यहाँ गूगल सर्च कंसोल में आ जाता हूँ। मैं ये प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैं गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड पे आ गया हूँ और यहाँ पे दो तरीकों से अपने URL को डाल सकते हैं। पहला जो तरीका ये है, इंस्पेक्ट एनी URL इन ब्लॉगर टिप्स बाय anish.blogspot.com, ये जो ब्रैकेट है इसमें आप डाल के लिख सकते हैं, नहीं तो आप URL इंस्पेक्शन यहाँ पे है, इस पर भी क्लिक करके आप अपने URL इंस्पेक्शन को डाल सकते हैं। आप यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, या फिर आप यहाँ भी क्लिक कीजिएगा तो बात बराबर है। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ अपने URL को और इंटर दबाता हूँ। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है, आप परेशान नहीं होइएगा। कभी कभी ये जल्दी इंडेक्स कर लेता है, कभी कभी ये समय लेता है लोडिंग करने में। तो यहाँ जैसे कि इंस्पेक्शन करने के बाद ये बता रहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल। अब ये गूगल पे नहीं है क्योंकि मैंने इसको अभी तक गूगल पे इंडेक्स नहीं किया था। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करूँगा, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये टेस्ट करता है। टेस्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है, 2 से 3 मिनट समय लगता है, तो उसके लिए आप तो इंतज़ार कर सकते हैं, उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बाकी आपको अपना हर पोस्ट, अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो ये आपके लिए कंपल्सरी है कि आपको अपना हर पोस्ट को गूगल कंसोल में आके सबमिट करना होता है। तो यहाँ देखिए इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। उसके बाद मैं गॉट इट पे क्लिक करूँगा। अब ये करने के बाद हमें टेस्ट लाइफ URL लिखना होता है कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है इंडेक्सिंग में, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे ये बता देगा। इसमें भी उतना ही समय लगता है जितना हम रिक्वेस्ट के लिए इंडेक्स के लिए करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये इंडेक्सिंग हो गई है और यहाँ पे ये बता दिया कि URL इज़ अवेलेबल टू गूगल। आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, अवेलेबिलिटी URL कैन बी इंडेक्सेड, मोबाइल यूजेबिलिटी में देख सकते हैं पेज इज़ मोबाइल फ्रेंडली, कोई भी एरर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है और ये गूगल में इंडेक्स हो चुका है। मैंने इंडेक्स कब किया है आप देख सकते हैं, नवंबर 5, 2021, 7:38 पर मैंने इसको इंडेक्स किया है। यहाँ इंडेक्स करने के बाद 2 से 3 घंटे लगते हैं गूगल पे इसको प्रॉपरली इंडेक्स होने में, गूगल पे इसको लाइव होने में समय लगता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं समय। ऐसा नहीं कि अभी आपने इसको इंडेक्स किया और फिर आप जाकर देखोगे तो आपको वो रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं यहाँ पे व्यू टेस्टेड पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ मेरा जो पोस्ट है, ये जो मेरा पोस्ट है इसका जो URL है, इसका सॉरी जो HTML कोड है, इस पोस्ट का जो HTML कोड है, उस HTML कोड को यहाँ पे ये दिखाएगा। उसके बाद जो यहाँ ये स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि ब्लॉगर ऑन पेज SEO कैसे करें, ब्लॉगर टिप्स बाय अनीश, आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉगर ऑन पेज SEO कैसे करें, ब्लॉगर टिप्स बाय अनीश, यहाँ पे 4 नवंबर 2021 लिखा हुआ है,
यहाँ आप देख सकते हैं 4 नवंबर 2021 लिखा हुआ है, मतलब इतनी तारीख मैंने इस पोस्ट को लिखा था। ये प्रॉपर वे में इंडेक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपने पोस्ट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और इस साथ ही साथ आपको ब्लॉगर से जुड़ी और कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।